जापान के एक आइलैंड पर एक औरत कोमा में थी। वो मरने वाली थी। उसे सपना आया कि वो मर गई है और स्वर्ग में पहुंच गई है। वहां उसे अपने पूर्वजों की आवाज़ आती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो जवाब देती है, मैं मेयर की बीवी हूँ। फिर आवाज़ आती है कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो, हमने पूछा है कि तुम कौन हो। वो कहती है, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। फिर आवाज़ आती है, हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी माँ हो, हमने ये पूछा है कि तुम कौन हो। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं स्कूल टीचर हूँ। फिर से आवाज़ आई, हमने ये नहीं पूछा कि तुम क्या काम करती हो, हमने पूछा है कि तुम कौन हो। इस तरह उस औरत ने कई जवाब दिए। उसने उसका नाम बताया, धर्म बताया, कई बातें बताई, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि वो कौन है। फाइनली उसने कहा कि मैं वो हूँ जो हर दिन अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उठती हूँ। मैं वो हूँ जो बच्चों को पढ़ा कर उनका अच्छा माइंडसेट बनाती हूँ। उस औरत का यह जवाब एक्सेप्ट कर लिया गया और वो कोमा से बाहर आ गई। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई। इस पूरे इंसिडेंट ने उस औरत को उसकी ज़िंदगी का पर्पस समझा दिया। इसके बाद वो अपनी फैमिली की और ज़्यादा केयर करने लगी और बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने लगी। उस औरत को उसका इकीगाई मिल गया था। उसके बाद उस गांव के हर इंसान ने अपना इकीगाई पता करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मान ली। ये इंसिडेंट जापान के ओकिनावा आइलैंड पर हुआ था। वहाँ पर आज भी हर कोई अपने इकीगाई को ढूंढ कर ही अपनी लाइफ जीता है। आज भी वहाँ के लोग दुनिया के बाकी लोगों से ज़्यादा हेल्दी और खुश होते हैं। वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं और वहाँ के लोगों की लाइफ भी दुनिया के बाकी लोगों से लंबी होती है। उस गांव की कई चीज़ें बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी अच्छी हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका रीज़न ये है कि वहाँ के लोग अपना इकीगाई ढूंढकर उसके मुताबिक ही अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। इकीगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग, यानी कि जिंदा रहने का कारण, जिंदगी का पर्पस, आपका दुनिया में आने का रीज़न। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकीगाई होता ही है जो उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकीगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इसे ढूंढने में। आपका भी एक इकीगाई है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना इकीगाई पता कर सकते हो। सबसे पहले हम इकीगाई का डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में 4 सर्कल्स के इंटरसेक्शंस हैं और इनमें होते हैं 4 सवाल जिनका जवाब आपको देना है। पहला सवाल, व्हाट यू लव। ये सवाल शायद सबसे आसान है। सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिससे आपको मज़ा आता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, एक्सरसाइजिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, रीडिंग या कोडिंग, एनीथिंग। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। ये आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, कोई ऐसा काम जिसमें आपने वॉलंटियरिंग की हो, या आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट, यानी कि आप कौन से काम में अच्छे हो, कौन से काम के आप एक्सपर्ट हो, आपके पास कौन से स्किल्स हैं। तीसरा सवाल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तीसरा सवाल ये पता करने के लिए है कि दुनिया को आज की डेट में किस चीज़ की ज़रूरत है। चौथा और आखिरी सवाल, फॉर व्हाट यू कैन गेट पेड। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो करके आप पैसे कमाते हो, जिसके बदले लोग आपको पैसे देते हैं, या आपको लगता है कि उस काम के बदले लोग आपको पैसे दे सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, मतलब व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स के बीच का इंटरसेक्शन में जो काम आएंगे वो आपकी लाइफ के मिशंस होंगे। मतलब व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड के सर्कल में जो कॉमन काम है वो आपकी लाइफ के मिशन होंगे। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉमन कामों को कहते हैं वोकेशन, जो कि इन दोनों के बीच के इंटरसेक्शन में आते हैं, यानी कि ऐसे काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है और उसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए भी तैयार होंगे। फोर्थ और सेकंड सर्कल के बीच के इंटरसेक्शन को कहते हैं प्रोफेशन, यानी कि ऐसे काम जिसमें आप अच्छे भी हो, एक्सपर्ट भी हो, और जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हैं या होंगे, ये काम होंगे आपका प्रोफेशन। लास्टली, फर्स्ट और सेकंड सर्कल के इंटरसेक्शन को कहते हैं पैशन, यानी कि ऐसे काम जिनमें आप एक्सपर्ट भी हो और आपको उन कामों से प्यार भी है, वो होता है आपका पैशन। एक बार जब आप अपना पैशन ढूंढ लोगे तो अपना इकीगाई ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आगे मैं आपसे पैशन के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको अपना पैशन जानने के लिए खुद को जानना होगा, अपनी पर्सनालिटी को जानना होगा। नाकाम लोगों की एक खराबी ये होती है कि वो खुद के बारे में नहीं जानते। और दूसरी बात, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताते हो, क्या करते हुए बिताते हो। अगेन, नाकाम लोगों की ये भी एक खराबी होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अपना टाइम कहाँ बिता देते हैं, उनका दिन कैसे निकल जाता है। इन्हीं दो वजहों से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। सभी कामयाब लोग, बल्कि महान लोग जो पुराने ज़माने में भी हुए, जो आज भी हैं, उन सब का भी यही कहना है कि जब तक इंसान खुद को नहीं जान लेता वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब यहाँ से आप एक पेन और एक कॉपी लो। यहाँ पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको लिखना होगा। आप लिखोगे तो आगे वाला पार्ट आप आसानी से समझ सकोगे और ख़ुद को भी आसानी से समझ सकोगे। और जो आप सीख रहे हो वो लिखना एक अच्छी आदत है, कामयाब लोगों की आदत है। पैशन ना मिल पाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग उन कामों में अपना ज़्यादातर समय लगा देते हैं जिन्हें ना तो वो पसंद करते हैं ना ही वो उन कामों में अच्छे होते हैं। तो यही देखने के लिए कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो, हम एक एक्सरसाइज करेंगे। सो आई होप कि आपके पास पेन और पेपर रेडी है। तो सबसे पहले आप एक बड़ा स्क्वायर बनाओ और उस स्क्वायर को 4 स्क्वायर्स में डिवाइड करो।
पहले स्क्वायर में ऊपर लिखो, ये काम मुझे पसंद है और इनका मैं एक्सपर्ट भी हूँ। इस स्क्वायर में आप वो सारी चीज़ें लिखो जिन्हें करना आपको बहुत अच्छा लगता है और आप इन कामों के एक्सपर्ट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको फोटोग्राफी करना पसंद हो या कुकिंग करना पसंद हो, कोडिंग या पेंटिंग करना पसंद हो और आप इनमें एक्सपर्ट भी हो। तो ऐसी चीज़ें जिनमें आप बहुत अच्छे हो और आपको करने में वो मज़ा आता है, इस स्क्वायर में लिख दो। दूसरे स्क्वायर में ऊपर लिखो, ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आते। यानी कि ऐसे काम जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आते, आते हैं तो अच्छी तरह नहीं आते लेकिन आपका दिल बहुत करता है वो काम करने के लिए। हो सकता है कि आपको कोडिंग अट्रैक्ट करती हो लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हो, हो सकता है कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग पसंद हो लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हो, हो सकता है कि आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो। तीसरे स्क्वायर में ऊपर लिखो, ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये मुझे करना आते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में करना पड़ती हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको कोडिंग करना पसंद नहीं है लेकिन आप कोडिंग में अच्छे हो और वो आपको एज अ जॉब करना पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें सोच कर लिख दो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ती हैं। चौथे स्क्वायर में ऊपर लिखो, ये काम मुझे पसंद भी नहीं है और ये मुझे अच्छे से करना आते भी नहीं है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, आपको वो करना भी नहीं आती है, फिर भी आपको ये करना पड़ती है मजबूरी में। जैसे कि आपको अपना रूम साफ़ करना पड़ता है, हो सकता है कि आपको रूम साफ़ करना पसंद ना हो और यह आपको आता भी ना हो। तो इन चारों स्क्वायर्स में आराम से सोच सोच कर अपने जवाब लिखो, कोई जल्दी नहीं। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हो, जब आप ये लिख लो तो देखो कि आप अपना ज़्यादातर समय कौन से काम करते हुए बिताते हो, कितना समय आप वो काम करते हो जिसमें आप अच्छे भी हो और वो आपको पसंद भी है, कितना समय आप वो काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर लोग जो काम उन्हें पसंद नहीं है वो करने में अपना समय बिताते हैं, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता। यानी वो लोग नीचे वाले दो स्क्वायर्स में अपना ज़्यादातर टाइम लगाते हैं। आपको अपना पैशन ढूंढना है तो आपको ऊपर वाले दो स्क्वायर्स वाले कामों को करने में ज़्यादा टाइम देना होगा। बिना अपने करंट जॉब को छोड़े हुए आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप ऊपर वाले स्क्वायर्स में दिए गए कामों को करने के लिए टाइम निकालो। अब देखो, लॉकडाउन में आपके पास टाइम ही टाइम है। पहले तो बहाना होता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टीवी, न्यूज़, सीरियल्स देखना थोड़ा कम कर दोगे तो आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब हो सकता है कि आपने ऊपर के दो स्क्वायर्स में कई काम लिखे हों, आपको उन कामों में से सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए जिसको आप ज़्यादा इन्जॉय करते हो, जिसका आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और जिससे आप आगे चलकर पैसे भी कमा सकते हो और वो काम करके कोई ऑलरेडी बहुत पैसे कमा रहा भी हो। फिर आपको उस काम पर और उस आदमी पर रिसर्च करनी चाहिए कि वो आखिर में ये सब कैसे कर रहा है और आपको भी वैसा ही करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपना पैशन पता करने के लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, तो सेकंड एक्सरसाइज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है। इसे करने के बाद आप खुद को बेहतर तरीके से जान सकोगे। ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी टेस्ट है, इसे कहते हैं डिस्क टेस्ट, DISC। ये पर्सनालिटी टेस्ट बेस्ड है दो बेसिक ऑब्जर्वेशंस पर। पहला ये कि आप आउटगोइंग हो या आप रिजर्व्ड हो, यानी कि आप बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हो या आप घर में रहना पसंद करते हो, बस कुछ खास लोगों के साथ ही टाइम बिताना पसंद करते हो। आउटगोइंग लोग किसी को भी जल्दी से अपना दोस्त बना लेते हैं, ये लोग हमेशा कहीं बाहर जाने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि यही लोग बाहर जाने के प्लान्स बनाने वाले होते हैं और दूसरे लोगों को भी ये अपने साथ शामिल कर लेते हैं। रिजर्व्ड लोग घर में रहना पसंद करते हैं, अगर आपको इन्हें कहीं घूमने ले जाना है तो ये बहुत मुश्किल से मानते हैं, ये बस इनके कुछ खास लोगों के साथ ही अपना समय बिताते हैं और अपनी फीलिंग्स सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। डिस्क पर्सनालिटी टेस्ट का दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि आप पीपल ओरिएंटेड हो या टास्क ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की केयर ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का बॉस पीपल ओरिएंटेड है तो वो ये सोचेगा कि उसके एम्प्लॉयज़ आराम से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। टास्क ओरिएंटेड लोग टास्क के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो टास्क की केयर ज़्यादा करते हैं। एक टास्क ओरिएंटेड बॉस ये सोचता है कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, काम पूरा हो रहा है या नहीं, काम की सही क्वालिटी है या नहीं, काम समय पर हो रहा है या नहीं। इसमें आप कुछ भी सही या गलत मानकर मत बैठना, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, ये बस अलग अलग टाइप के बिहेवियर हैं। तो आप खुद को एक ऑनेस्ट जवाब दो कि आपका बिहेवियर इसमें से कौन सा है। खुद को जज मत करना, ये मत मान लेना कि आप जो जवाब दोगे वो फाइनल होगा। इस टेस्ट से आप बस खुद के बारे में और अच्छे से जान सकोगे, इसलिए ऑनेस्टली खुद को इसका जवाब दो। इन दो सवालों के जवाब से पर्सनालिटी के चार टाइप्स निकल कर आते हैं, DISC। अगर आप आउटगोइंग हो और टास्क ओरिएंटेड हो तो आपका पर्सनालिटी टाइप है D, यानी कि डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग लोग टाइम पर काम करते हैं और करवाते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं। एक बार ये जो काम अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसे कंप्लीट ज़रूर करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। इन्हें लीडरशिप पोजीशन पर रहना अच्छा लगता है। जो लोग आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड होते हैं उनका टाइप होता है I, यानी कि इंस्पायरिंग। ये लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं अपने कामों से, अपनी बातों से, और ये लोग ज़्यादा बातें करने वाले होते हैं। ये लोग आइडियाज़ पर बात करते हैं, ये लोग भावताव करने में अच्छे होते हैं, ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं।
जो लोग रिजर्व और पीपल ओरिएंटेड होते हैं उनका टाइप होता है एस, यानी कि सपोर्टिव। ये लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं। इन लोगों को मिलकर काम करना अच्छा लगता है। ये लोग हम्बल होते हैं। ये लोग सेंसिटिव और स्लो भी हो सकते हैं। जो लोग रिजर्व और टास्क ओरिएंटेड होते हैं उनका टाइप होता है सी, यानी कि कॉशियस। इस टाइप के लोग बहुत सावधान रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं। इनका फोकस क्वालिटी पर होता है। ये काम में परफेक्शन चाहते हैं। इन्हें गलती करना अच्छा नहीं लगता। ये अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये थे डिस्क पर्सनालिटी टाइप्स। अब आप सोचो और ऑनेस्टली खुद को जवाब दो कि आप इनमें से कौन से टाइप को। यहाँ ऑनेस्ट जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान में ये चारों क्वालिटी थोड़ी थोड़ी होती हैं, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा होती है, कुछ कम होती है। तो यही आपको सोचना है कि आप में कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है, डी, आई, एस या सी। इस टेस्ट का मकसद आपको किसी कैटेगरी में फिक्स करना नहीं है, बल्कि खुद को अच्छे से जानना है। क्योंकि जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं जान सकोगे, आप अपना पैशन भी नहीं ढूंढ सकोगे। अब आपको करना यह है कि जैसा आपका पर्सनालिटी टाइप है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पर्सनालिटी टाइप सी है, यानी कि रिजर्व एंड टास्क ओरिएंटेड, और पहले जो मैंने स्क्वायर्स बनाए थे उसमें ऊपर वाले स्क्वायर में आपने लिखा है पब्लिक स्पीकिंग एंड कोडिंग, तो आपको कोडिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोडिंग आपकी पर्सनालिटी से ज़्यादा मैच करती है। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया। इसके हिसाब से आप अब ये पता कर सकते हो कि आपको कौन से काम को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ये बात याद रखो कि नाकाम लोग अपना ज़्यादातर टाइम उन कामों में लगाते हैं जिनमें वो अच्छे नहीं हैं और जिसे वो इन्जॉय भी नहीं करते, जबकि कामयाब लोग अपना ज़्यादातर समय उन कामों में लगाते हैं जिनमें वो बहुत अच्छे हैं और जिसे वो इन्जॉय भी करते हैं। तो आपको अपना पैशन ढूंढने का मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल आप करते हो या नहीं। पैशन ढूंढना क्यों ज़रूरी है, इस पर आप अगर एक मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने नेवर क्विट चैनल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और एंड स्क्रीन पर भी दिया है, वो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह, कामयाब लोगों की तरह खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हो बुक्स की नॉलेज लेने के लिए, तो डाउनलोड करिए ये बुक ऐप। यहाँ पर हम हर महीने हिंदी में 20 से 25 न्यू बुक समरीज ऐड कर रहे हैं और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लगा हो तो इसके बदले आप बस लाइक कर देना, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार फिर से ये वीडियो देखो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।